शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज आशी का व्रत है, आशी कुछ नहीं खाएगी। बट माँ, अभी तो भाई वापस आ गया। हाँ तो ये उसी व्रत का तो असर है, उसी व्रत का तो फल मिला है बेटा। तो अब आशी जिंदगी भर के लिए व्रत रखेगी, तेरे भाई की लंबी उम्र के लिए। तो ठीक है फिर, आज से मैं भी आशी के लिए व्रत रखूंगा, उसकी लंबी उम्र के लिए। एक सेकंड आया। हेलो, हाँ सेट, तुझे ना स्टोर आना होगा, वो ब्राइडल कलेक्शन के लिए मॉडल्स आ रही है। नहीं नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तू एक काम करना, मॉडल्स को लेके तू घर पे ही आ जा। ओके। आशी, ये भूख, ये व्रत कैसे कर लेती हो ये? मेरे पेट में तो चूहे बिल्ली गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। जब इतनी भूख लग रही है तो फिर क्या जरूरत थी हीरो बनने की? मैं भी व्रत रखूंगा। क्या हुआ? सही में बहुत भूख लग रही है, सिर्फ तुम कुछ खा लो ना। लो भाई, खाना हम ले आए। पहले हम एक प्लेट लाते थे, लेकिन अब दो दो प्लेट। मैं तो पता क्या है कि अमृता हमेशा इससे जबरदस्ती सोमवार का व्रत करवाती थी, लेकिन हम चुपचाप से लाके इसे खाना देते थे ताकि ये खा ले। बाबा, आपको पता नहीं है आप हमेशा आशी के लिए खाना लेकर आते हो, और ये मैडम है कि कभी खाना ही नहीं खाया इसने। आज तक ना इसने अपना व्रत कभी नहीं तोड़ा। क्या सच्ची आशी? जय श्री राम। बेटा तू इतने सालों से व्रत रख रही थी और हमें मालूम ही नहीं। बाबा, व्रत तोड़ के हम काकी माँ का विश्वास कैसे तोड़ सकते थे? और देखिए ना, उनका विश्वास जीत ही गया। सिट, खाओ ना। मुझे भी तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है। स्टोर से कॉल है। हाँ सेट, तूने जो ब्राइडल कलेक्शन मंगवाया था ना वो आ गया है, पर एक प्रॉब्लम है, ये मॉडल्स अभी तक नहीं आई। तो तू बता, तू कब तक आ रहा है? मैंने कहा ना, मेरा आ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम करना, सब कलेक्शन को लेके घर पे आ जा। हाँ हाँ, मॉडल्स की टेंशन मत ले, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ठीक है, ओके। नहीं आ रहा कि आखिर वो है कौन जो हमारे बच्चों का दुश्मन बना हुआ है? क्यों वो हमारे बच्चों की जिंदगी के पीछे पड़ा है? आखिर है कौन वो? वो बच्चों से दूर रहे तो निशाना किसे लगा? आपको? अरे कुंदन, आओ। सिट, वो कलेक्शन आ गया है, लेकिन मॉडल कहाँ है? ये है हमारी मॉडल्स। चलो गर्ल्स, ब्राइडल कलेक्शन ट्राई करो एज अ मॉडल। ओह माय गॉड, सिट, तुमने फाइनली वीक के अंदर वो क्वालिटी देख ली जो किसी ने नहीं देखी। आई लव इट। सिट, मैं भी तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। अब मतलब इस ब्राइडल शो की दुल्हन। लेकिन हम नहीं कर सकते। प्लीज आने दी, अभी नखरे मत दिखाओ। अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? अपने भाई के लिए मॉडलिंग तो क्या, अपनी जान भी हाजिर है। देखना भाई, हम ऐसी मॉडलिंग करेंगे ना कि सबका मुंह तोड़ देंगे। मेरा मतलब है, इतनी अच्छी मॉडलिंग करेंगे ना कि शोरूम में बारात आ जाएगी कस्टमर्स की। निधि क्या? ओ हाँ, प्लीज 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 प्लीज, हम भी कर रहे हैं ना अपने भाई के लिए।
प्लीज करो, प्लीज प्लीज मान जा, मान जा, मान जा। ओके, तो ये तय रहा कि आशी जी और सिड हमारे शो के शो स्टॉपर कपल रहेंगे। ओके ओके फाइन, फटाफट एक रिहर्सल करते हैं, तुम लोग रेडी हो जाओ, तब तक हम सेटअप कर लेते हैं। अरे विकास आने वाला था, कहाँ रह गया? अरे फोन करने की जरूरत नहीं है, आ गए हम। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए। कोई नहीं। आशी जी आपके लिए स्पेशल ड्रेस है, एक सेकेंड। ये शो स्टॉपर ड्रेस। मेरे होते हुए सिट के साथ शो स्टॉपर आशी बनेगी? कभी नहीं, मैं बनने ही नहीं दूंगी, क्योंकि सिट के साथ शो स्टॉपर तो मैं ही बनूंगी और सिट की दुल्हन भी। ले लीजिए। आप वहीं रख दीजिए, हम ले लेंगे। हाँ जी। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो अभी तक? फटाफट रेडी हो जाओ, जाओ। चलो चल हम बाकी कलेक्शन चेक कर लेते हैं। की तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो हमारे साथ। वी रेड के साथ गोल्डन बैंगल्स अच्छे लगेंगे ना? हाँ, आई थिंक गुड ऑप्शन। आंटी जी? नहीं थैंक यू। आशी ये आप लीजिए ना। नहीं नहीं हमारा व्रत है। ओके सिड तू लेगा? नहीं नहीं मेरा भी फास्ट है, आशी की लंबी उम्र के लिए। अभी से बीवी के लिए व्रत छा गए भाई। चलो चलो शो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन जाएगा? मैं जाऊंगी, और कौन? चल निधि। लहंगा तो फटा हुआ है, तुम वॉक कैसे करोगे? ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? आशी का लहंगा काटना था और मैंने गलती से अपना ही लहंगा काट दिया। एक काम करते हैं, उसे फिक्स करते हैं, आ जाओ। तब तक तुम जाना। चलो चलो जाओ भाई के साथ। जाओ जाओ जाओ, कम ऑन। ये कम ऑन। जोड़ी है ना? हाँ। अरे कहाँ
प्लीज 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 प्रीति, क्या बोलते हो विकास? हाँ सर, डांस तो बनता है, प्लीज। हाँ एक डांस तो बनता है गाइस, प्लीज कम ऑन कम ऑन। और मैं म्यूजिक लगाती हूँ। हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। हमें जब से मोहब्बत हो गई है। खुशियां अब गम की बारी, बचा सकते हो तो बचा लो अपने बेटे को, इस बार आसमान से कहर बरसेगा। आसमान से कहर, कहीं ऊपर तो कुछ पे नहीं, डर बहुत अच्छा लगता है। पर अब चिंता मत करिए, हम सिट को मारेंगे नहीं, और तब तक नहीं मारेंगे जब तक आप हमारी बात ना मान लो। कहीं लगी तो नहीं ना? पक्का? हम ठीक है बाबा। सिट, अगर कुछ भी बोला ना तो आपके परिवार को समझ गया। ये सब क्या है, क्यों कर रहे हो ये सब? कुंदन, ये रस्सी कैसे घूम गई? अभी ठीक है, पता नहीं मैं आया तो ये मोमबत्ती यहाँ पे रखी हुई थी। लेकिन ये रस्सी जलाएगा कौन? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैंने देख लिया और रस्सी पकड़ ली मैंने। राम जी का शुक्र है, हमारा बेटा बच गया। कुंदन बेटा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम समय पर आए और हमारे बेटे की जान बचाने, धन्यवाद तुम्हारा। कैसी बातें कर रहे हैं आंटी आप, सिर्फ मेरा बचपन का यार, और इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। तेरी ये फिल्मी बातें। आशी तुम पक्का ठीक हो ना? हाँ ठीक है। Thank you.
ये क्या? अरे 1000 रुपए? कोई बात नहीं बबुआ, बहुत जल्दी 1000 से 10000 और 10000 से लाखों में बदल जाएंगे। अगर सॉरी, वो क्या है कि मैं थक गया था तो ये कमरा खाली मिला तो मैं यहीं पे आके रेस्ट करने लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए यहाँ? और मेरे बेटे को क्यों मारना चाहते हो? एक सेकंड, एक सेकंड। ये आपका बीपी हाई हो जाएगा, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं हूँगा, मैं शांत नहीं हूँगा। अरे हमारा शर्ट छोड़िए, आपका दिल ना फट जाए कहीं। नहीं, मेरा मतलब हार्ट अटैक। क्या कि आप जोर जोर से दहाड़ेंगे तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है ना, इसलिए शांत हो जाइए, पानी पीजिए आप। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी घटिया हरकत करते हो और खुद को सिद्ध का दोस्त कहते हो? दोस्त नहीं, बचपन का दोस्त। तभी तो हमने जितने वार किए लेकिन एक भी वार उसकी जान नहीं ली। हाँ भी बोलते ना कि दोस्त है, अब दोस्त की जान कैसे ले लें उसकी? और उसकी वजह से हमारे अकाउंट में लाखों आएंगे। एक राज की बात बताएं आपको, हमें सिट से ना बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। हाँ, कैसा हिसाब? क्या किया उसने? ये बात, यही तो प्रॉब्लम है कि जो हमें पता है वो यहाँ किसी को नहीं पता। उसकी सारी खूबियां, सारी कमियां सब जानते हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बकवास बंद करो, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं और तुम्हें गिरफ्तार करवाते हैं। बिल्कुल करिए अंकल, ऐसे नेक काम में देरी क्यों? लेकिन एक बात बताइए, हम जो आपको ऐसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और जो इतने सारे हमले मैंने किए, ये आप पुलिस को साबित कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये पुलिस को फोन करेंगे ना, तो हम वहां सिट की जान भी ले सकते हैं। उसकी मौत के जिम्मेदार फिर हम नहीं, आप होंगे। सोचिए, सोचिए, आराम से सोचिए। लेकिन हाँ, उससे पहले ना हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए बस, फिर आराम से सोचिए आप। हे राम जी, बड़ी मुश्किल से हमारे घर में खुशियां आई हैं। हमारे बच्चों ने दोबारा मुस्कुराना शुरू किया, फिर ये खुशी के साथ गम क्यों? राम जी, बड़ी मुश्किल से हमारी आशी के जीवन में फूल खिले हैं, फिर ये कांटे क्यों प्रभु? बाबा, आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे? अरे नहीं पति, नहीं, मैं रो नहीं रहा, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं, खुशी के। बाबा, हम बचपन से आपको जानते हैं, आपके आंसू खुशी के हैं या दुख के, ये हम पहचानते हैं। हम जानते हैं कोई तो दुख है जो आपको दुखी कर रहा है, बताइए ना बाबा। नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि बहुत दिनों के बाद एक साथ इतनी सारी खुशियां मिली है ना, तो बस हमारा दिल घबरा रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है और इस घर पर है, तब तक ना हमें कुछ होगा ना इस घर को। अभी रोना बंद कीजिए, चले। क्या बाबा? हाँ बाबा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? अब तो मैं भी हूँ यहाँ, आप अकेले थोड़ी ना है। और वैसे भी इस घर की हर परेशानी, हर जिम्मेदारी हाँ मेरी भी है, आप फिक्र मत कीजिए। हम दोनों के होते हुए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जानते हैं, जानते हैं। बाबा ये रॉन्ग है, फैमिली सीन चल रहा है और आप मुझे भूल गए। मैं भी इस फैमिली की मेंबर हूँ, हमेशा से टीम बाबा में रही। आजा आजा, अभी नहीं, आप भी आओ ना, ग्रुप वर्क करते हैं। अरे अमृता आंटी, आप इतनी दूर दूर से, आप नहीं गई फैमिली ग्रुप सेल्फी में? ओ, जाएंगी कैसे? बुलाया ही नहीं, और बुलाते भी कैसे जब सिट को आशी के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। और रही बात अंकल और निधि की, वो तो आशी के पहले से ही फैंस है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, काम करो अपना, हमें किचन में बहुत काम है, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठे हैं।
बाबा ये चाय पी लीजिए और हमने आपके लिए लंच पैक कर दिया है, टाइम पे खा लीजिएगा प्लीज। हाँ काकी माँ, हम बस दो मिनट में बैग लेके आते हैं। हाँ ठीक है। अरे क्या बात है भाई, आज ये महिला मंडली कहाँ जा रही है? शॉपिंग करने जा रही है, सिड के लिए कुछ चीजें लेनी है। ठीक है, एक काम कीजिए, ये पैसे रख लीजिए, जो चाय खरीद लीजिए। शुक्रिया। अमृता आंटी, मैं भी आपके साथ चलूं? वो मुझे भी कुछ चीजें लेनी थी तो। हाँ ठीक है। सिड, हम शॉपिंग जा रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेने, चलो तुम भी तैयार हो जाओ, साथ चलो हमारे। सब जा रहे हैं? हाँ। पेट दर्द। क्या हुआ? माँ पता नहीं अचानक बहुत पेट दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, हम अभी काढ़ा लेकर आते तुम्हारे लिए। नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे लेकिन आप लोग जाओ ना। हाँ पिद्दी तू घर पे रुक जाना, वैसे भी हमारे पीछे सिट बाई को किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम रहोगी उसके साथ, और वैसे भी माँ की बात तो तुम ही सबसे अच्छा खाना बनाती हो, तो इसीलिए। हाँ ठीक ही है, आशी यहाँ रुक जाएगी और इसे खाना बनाना तो आता ही है, तुम लोग जाओ। चलो माँ जल्दी जाते हैं शॉपिंग। ठीक है हम चलते हैं। मुझे तो सिट के साथ शॉपिंग पे जाना था पर सिट और आशी तो घर पे, कहाँ फंस गई मैं भी। ये लो रखो। मुझे भी निकलना चाहिए। बेटा आशी तुम दोनों अपना ध्यान रखना। हाँ बहुत दर्द हो रहा है आशी। सिट क्या हुआ, कहाँ पे दर्द हो रहा है दिखाओ। अब नहीं हो रहा। चाहेंगे तुम्हें इतना। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम, पर तुम्हारा ये ड्रामा ना सिर्फ बाबा और काकी के सामने चलेगा, हमारे सामने नहीं चलेगा, और हम तुम्हारी कोई सेवा व्यवहार नहीं करने वाले, तो ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत रखना। हम जा रहे हैं अपने कमरे में, निधि ने लेप बना के रखा था हमारे लिए, लगा भी नहीं पाए इतने जल्दी में। बाय। हेलो। हेलो नहीं बोलो, मेरे 5 लाख कब तक मिलेंगे मुझे? सिट तुम, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, फिर यहाँ कैसे? सिट जाओ जाके अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। ना बाबा, तुम्हारे साथ अच्छा बच्चा बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सिर्फ तुम चलो यहाँ से, जाओ हमने बोला ना, रूम में जाओ अपने आराम करो। सिर तुम ये सब मेरे लिए? अच्छा तो मेरे लिए रूप सवारा जा रहा है। देखो हम कह रहे तुम जाओ यहाँ से वरना हम तुम्हें ओपन लगा देंगे। अच्छा इंतजार इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। करना इंतजार, मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। इतनी मोहब्बत सह ना सकूंगा, सच मानो जिंदा रह ना सकूंगा। मैं हूं तो क्या हम जाने ता।
अब जीना मरना मेरा, जानम तेरे हाथ है। संभाल ले 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 ला के मैं चला ले 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 ला जाना कहां ला 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 दिल में आ ला 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 साथिया तूने क्या किया। मां हमने कैब बुक कर दी है, अभी आती ही होंगी। ठीक। अरे निधि तुम ठीक हो? बैठो यहाँ। बंद करो इसे, कौन चला रहा है इसे, बंद करो। काम डाउन, ब्रीद इन। निधि बेटा तेरा इनहेलर कहाँ है? भगवान ये लड़की सुनती क्यों नहीं है, इतनी बार कहा है इनहेलर अपने पास रखा करो। आंटी वो इनहेलर तो मैंने शायद आशी के रूम में देखा था। आशी के रूम में? हम सिट को फोन करते हैं। ये सेट फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम दोनों दीदी का ख्याल रखो, हम अभी आते हैं। नहीं लगे कर कि वो माँ वो मुझे सर दर्द हो रहा था तो दर्द तो पेट में हो रहा था ना बेटा? पेट में भी हेलो से पहले भी कहे थे और अब भी कह रहे हैं, जब तक तुम्हारी और सिड की शादी नहीं हो जाती अपनी हद में रहना। शर्मा अंकल का फोन। जी अंकल नमस्ते। आशी बेटा वो कल ना एक कलेक्शन का कंसाइनमेंट आया है, तुम्हारी मदद चाहिए। स्टोर आ जाओगी? जी अंकल आ जाएंगे। थैंक यू। सेठ बेटा। पापा कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुझे देख लिया और बढ़िया हो गया। जय श्री राम अंकल। जय श्री राम। बस 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 बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। अच्छा हुआ आशी बेटा तुम आ गई। वो नया कंसाइनमेंट आ गया है, गोडाउन में है, प्लीज एक बार उसे फिर से चेक कर लो ना। जी ठीक है। अच्छा वो कंसाइनमेंट का रजिस्टर दो। पापा माँ ने कुछ काम बताया, मैं वो खत्म करके आता हूँ। हाँ भाई जरूर करो, क्योंकि माँ सबसे पहले। क्या कुंदन? कुंदन तुम हमारी और आशी की मदद करो, जरा गोडाउन में चलो। हाँ जी चलिए। कुंदन आशी ये है हमारा नया कंसाइनमेंट और इसकी सारी डिटेल्स इस रजिस्टर में है और तुम अच्छे से चेक कर लेना। फैब्रिक और फैब्रिक की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दोनों अच्छे से चेक करना है और जब तक हम दूसरा कंसाइनमेंट देख कर आते हैं। हाँ जी ये लो। Ha 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 ha
ये लाइट को क्या हो गया? कुंदन ये प्लीज रख दो। आप यहीं रुकिए। कुंदन, कुंदन तुम अंदर क्यों जा रहे हो? अंदर लाखों का सामान है, मैं उसे ऐसे जलने नहीं दे सकता। अरे कुंदन छोड़ दो उनको। शर्मा अंकल, ये आग कैसे लगी? कुंदन संभालो अपने आप को। कुंदन बस रहने दो, मत जाओ। पागल हो गया क्या? क्या जरूरत थी आग में कूदने की? कंसाइनमेंट जल रहा था तो जलने देता, तेरी जान से बढ़के थोड़ी ना है। लेकिन मेरे लिए तो है, मेरे लिए भगवान से बढ़के और अपने भगवान को जलने नहीं दे सकता मैं। I am proud of you, बेटा। चल बाहर चल। अरे वो पानी लाओ जल्दी। ठीक है ना? हाँ कुंदन। पक्का? हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। फिर भी तुझे रेस्ट करना चाहिए। चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तेरा घर किधर है? रहता कहाँ है? घर कहाँ है हमारा? तो पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो सारी सैलरी तो हम अपने घर भेज देते हैं। पता नहीं यहाँ शहर में तो कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर तो इतने दिन रह कर रहा था? हाँ वो एक लखनऊ धर्मशाला है, उसमें आगे का रामजान है। धर्मशाला? तू इतने दिन से धर्मशाला में रह रहा था? क्या बना भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज हमने सिद्ध के पसंद का सूजी का हलवा बनाया। ओ। याद है बचपन में कितना पसंद आता था उसे? अरे वो तो वो विद्या और निधि के हिस्से का भी छीन के खा जाता था। उसे अच्छा लगेगा है ना? सूजी का हलवा? वाओ माँ, कितने सालों बाद बनाया आपने। माँ ये रॉन्ग है। हाँ मैं यहाँ डाइटिंग करती हूँ, इतनी फिगर मेंटेन करती हूँ, और आप? अरे भाई वो आशी और सिद्ध कहाँ रहेगा, अभी तक आए नहीं, कहाँ रहेगा वो लोग? आशी भी ना, जब से सिद्ध वापस आया ना, पता नहीं उसके आसपास ही घूमती रहती है। घर का तो कोई ख्याल ही नहीं है, घर के काम की कोई पड़ी नहीं है। अरे बेटा ऐसा नहीं है माँ। माँ आशी तो कब से कह रही थी कि उसे घर आना है, बट माँ स्टोर में एक हादसा हो गया था। हादसा? कैसा हादसा? स्टोर में आग लग गई थी। आग लग गई थी? तू ठीक तो है ना बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आग में मैं नहीं, आशी फंस गई थी। क्या? आशी? आशी बेटिया तू ठीक है ना?
जी बाबा। बेटा तुझे तो कहीं लगी नहीं ना, तू ठीक है ना एकदम? जी माँ मैं ठीक हूँ। बाबा एक्चुअली मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ दिन के लिए हमारे घर रह सकता है। प्लीज आप मना मत करना, मैं उसको साथ लेके आया हूँ। अरे इसमें मना करने वाली क्या बात है, अपना घर है, बुला लो उसे, कोई बात नहीं। आपने बुलाया और हम चले आए। कुछ भी बोला ना तो आपके परिवार को समझ लेना। कुंदन? हाँ कुंदन हमारे स्टोर में काम करता है, बहुत बार घर भी आ चुका है। मेरे बचपन का दोस्त है बाबा। बाबा ये धर्मशाला में रह रहा था, मैंने इसे कहा हमारे घर पे आके रहे। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। बाबा इनफैक्ट आपको जान के खुशी होगी कि आज आशी को आग से इसी ने बचाया है। नहीं बेटा दोस्त है तुम्हारा, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया, बुला लो उसे। कुंदन यहाँ आओ। ना नमस्ते आंटी। खुश रहो। नमस्ते अंकल। बुलावा देने के लिए थैंक यू अंकल। आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली ऐसे आना नहीं चाहता था, वो सिड ने जबरदस्ती की, तो आई एम श्योर आप लोग को अनकंफर्टेबल नहीं होगा। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, सिर के दोस्त हो तुम, आ सकते हो। वैसे इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है, अपना ही घर समझ। वैसे सिड हमने ना तुम्हारी पसंद का सूजी का हलवा बनाया, याद है बचपन में कितना पसंद आता था तुम्हें, जरा चख के बताओ कैसा लगा, एक मिनट ये लो। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। अब बेटा तुम्हें भी देते हैं। हेलो बेटा। थैंक यू। अरे विद्या निधि चलो तुम दोनों भी खा लो। हाँ माँ। कुंदन मैं तुझे तेरा रूम दिखाता हूँ, चल। सिट का तेरे को ज्यादा ही पड़ा नहीं है, मतलब स्टाफ मेंबर को फैमिली मेंबर कैसे बना सकता है? उसे पता नहीं है क्या कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। I know right? ये सिट भी ना पता नहीं किसे उठा के आ गया, बिल्कुल सड़क छाप टाइप्स। सिर्फ कुंदन का बचपन का दोस्त थे, दोस्ती कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखती। सिट ने कुंदन को मुसीबत में देखा तभी उसने उसकी तरफ अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। आओ कुंदन। आज से रूम तेरा, कुछ भी चाहिए हो, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो अब तो रेस्ट कर, सुबह मिलते हैं। ठीक है। क्या बात है कुंदन, तू तो बड़ा शातिर निकला रहा, इतनी सफाई से तूने सिट के दिल में और इस आलीशान महल में अपनी जगह बना ली, जबर। अंकल आप आइए ना, ये आप ही का तो घर है। तुम्हारी हिम्मत कहते हुए हमारे घर में आने की? हिम्मत नहीं अंकल, इजाजत आपने ही दी, बुलाया भी तो आ गए घर पे। वो क्या है ना, आपने पैसे भी नहीं भेजे तो हमें तो आना ही था, और आपकी नजरों को नजर आएंगे ना तो आपकी नजर में हमारे पैसे याद रहेंगे आपको। तो अपनी बकवास बंद करो और हमारे परिवार से दूर रहो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे बुरे तो आप है भी नहीं। वैसे हम तो आपके परिवार से कितना दूर थे, वो तो आपका बेटा ही हमें यहां पर लेके आया, अगर कुछ कहना है तो उसे जाकर कहिए। जेब बात, सेठ का घर महल से कम नहीं है कुछ, सबके दिल का राजकुमार, सबका प्यार है, और सबसे ज्यादा तो किस्मत है सिट की जो उसे आशी मिली।
लेकिन अब हम आ गए हैं ना तो हे भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि इस परिवार पर हमेशा बनाए रखना सबको खुश रखना सबकी रक्षा करना किसी का बुरा साया अब इस परिवार पर कभी नहीं पड़ने देना जय श्री राम देखो प्लीज यहां से चले जाओ काकीबा को पता चला तो बहुत नाराज होंगी भाग गया वो हमें पता है कौन था जरूर जरूर भागे बाल बाल ऐसे नहीं तो आज तो पकड़े जाते नेक्स्ट टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आशी को छूने की कैसे कैसे बस बस कहे थे ना आपसे कि आपका गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये सब आपकी वजह से हुआ पैसे मांगे थे ना आपसे अब घर और घर वालों को बचाना है तो 5 लाख समझे या समझाएं अभी और हाँ हम UPI भी एक्सेप्ट करते हैं नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता आप कुछ भी कीजिए सिक्योरिटी और बढ़ाइए या नए गार्ड्स हायर कीजिए लेकिन मुझे फुल प्रोटेक्शन चाहिए और एक बात बताइए नाइट गार्ड्स के होते हुए घर में ऐसे कैसे कोई घुस सकता है हाँ जी ओके बेचारा सिंह
इसे क्या पता इसका वो अंधेरे का राजा इसके साथ खड़ा है और ये उसे घर से बाहर ढूंढ रहा है। अरे सिद्ध बेटा क्या हो? आओ भाई, हमने ना तुम्हारे आने की खुशी में शाम को एक दावत रखी है, तो अगर तुम्हें किसी दोस्त को बुलाना है या दोस्तों को बुलाना है बुला लेना। जी माँ। जी देखो ये लिस्ट तैयार की है हमने। चले। अरे कुंदन बेटा, एक ना हमारी बेटे के साथ एक अच्छी सी फोटो खींच दे रहा, हाँ हमें फ्रेम करवानी है। एक मिनट, ये लो। अभी खींच देता हूँ। हाँ आओ ना। चल अब एक काम कर ले, थोड़ा चल रेडी। माँ एक सेकंड, रुको रुको, अरे क्या हुआ? मिनट, पूरी फैमिली की फोटो ले लेते हैं ना। अरे हेलो, आ जाइए विद्या जी, आ जाइए ना। बाबा बाबा जल्दी आओ, जल्दी आओ, फैमिली फोटो दी, आओ ना, सबकी फोटो खींच लेते हैं। आओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो खींचे। हमें हमारे बेटे के साथ फोटो खींचनी थी, सब आ गए। फैमिली फैमिली फोटो, चलो अच्छी सी बढ़िया सी फोटो। एक मिनट एक मिनट, आशी आशी आओ बेटा, इसके बिना हमारी फैमिली अधूरी है। चलो आओ इधर, चलो चलो चलो, यहां आओ सेठ के पास। चाहेंगे तुम्हें इतना, हो गया आंटी। हाँ दिखा आंटी, क्या जबरदस्त फैमिली है, नजर ना लगे इस फैमिली को, है ना? माँ मुझे भी देखना है। ये तो बड़ी अच्छी फोटो निकाली है तुमने, क्या लग रहे हैं हम? वैसे तुम दोनों भी ठीक ठाक ही लग रही हो। माँ हमारा बेटा देखो क्या हैंडसम लग रहा है। अच्छा माँ हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। कुंदन मुझे कंसाइनमेंट आने वाला था, आ गया क्या? हाँ वो आने वाला है। सिट, ये तुम्हारा टिफिन। थैंक यू। कुंदन ये आपका। थैंक यू। सिट तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? अगर जाना जरूरी नहीं होता तो कभी नहीं जाता, और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिस में बात कर ली है, वो लोग अब ध्यान रखेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। और तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आशी ऐसा फेस बना के रखोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? स्माइल प्लीज। भाई आपको देर नहीं हो रही? जा रहा हूं। अच्छा सुनो निधि, मेरे पीछे से आशी का ध्यान रखना, ठीक है? कुंदन चले। चल। ओए पिद्दी सुन, हम ना भाई के जैसे लवी डवी होके हक्षक करके तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, तो तुम्हें चलेगा ना? बताना मतलब ठीक है बच्ची, हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, आप क्या मांग रहे? अरे 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 क्या क्या क्या, इसको देखिए लड़कियां बहुत क्या। अरे अरे ये ऐसे बस, ये क्या कर रही हो तुम? घर की बहू हो ना, कुछ लाज शर्म है या नहीं है? उत्तम मचा रखी है, यहाँ से कूद फांग रही हो, हटो। काकी सॉरी। सॉरी मूड खराब कर दिया हमारा। अमृता तुम ये आशी को लेके कभी कभी कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो जाती? हाँ तो क्या करें हम, घर की बहू है ना, घर की मान मर्यादा सम्मान का किसी भी चीज की कोई फिक्र है इस लड़की को? शर्म आती ही नहीं है। तुम तो खैर जाने दो। अमृता हम एक बात सोच रहे थे कि हम पंडित जी से फोन पर बात करते हैं सईद और आशी की शादी के लिए। शादी इतनी जल्दी? जल्दी क्या, अरे वो आशी कब से सिद्ध का इंतजार कर रही है, अब सिद्ध आ गया है तो अब उसका इंतजार खत्म होना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए।
एक मिनट। हेलो, हाँ पंडित जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमें अपने बेटे और बहू की शादी के बारे में बात करनी थी। जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, हमें उनकी शादी करनी है। वैसे तो आज से 3 दिन बाद ही एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बाकी हम पंचांग देख के बताएंगे। क्या 3 दिन बाद? ठीक है पंडित जी, शाम को हमारी एक छोटी सी दावत है, आप आ जाइए, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। जी 3 दिन। अमृता, 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला है। 3 दिन बाद? हाँ। इतनी जल्दी? माँ, मैं इतनी जल्दी इतनी शॉपिंग तैयारियां सब कैसे करूंगी? पापा, थोड़े टाइम बाद तो मुहूर्त निकलवाइए ना प्लीज। हे भगवान, तुम्हारी शॉपिंग का तो हम देख लेंगे, तुम चलो हमारे साथ, चलो। बाबा, ये गुड न्यूज हम अभी आशी को बता के आते हैं। जा। हमारे रहते घर में शादी की खबर और हम ही बेखबर। देखते हैं कैसे होती है ये शादी। तीन दिन में शादी? नहीं, मेरे होते हुए सिर्फ और आशी की शादी? नहीं, मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। कुछ ना कुछ बड़ा सोचना होगा, कैसे भी करके इस शादी को रोकना होगा मुझे। क्या बात है, इतनी खुश? बात नहीं, सौगात मुझे मिलने वाली है। सौगात? कैसी सौगात? यस, शादी की। बाबा की अभी बात हुई पंडित जी से और 3 दिन बाद तुम्हारी और कुणाल भाई की शादी का मुहूर्त निकला। ओहो मैडम, शादी का नाम सुन के शर्मा रही हो? क्या बात है। वैसे भी देख, पंडित जी शाम को आने वाले हैं और बाकी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आशी की शादी होने वाली है। I'm so excited! अच्छा, वो सब छोड़, सुनना, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। वो माँ की बिहेवियर का तुम सॉरी यार। माँ जी, तुम पागल हो गई है। तुम अच्छे से जानती हो और हम भी इस बात को समझते हैं कि काकी माँ हमारे लिए माँ समान है। माँ की बात को कोई बुरा मानता है क्या? नहीं। तो वो सब छोड़, इधर आ बैठ। ये बालों का क्या हाल बना के रखा हुआ है ना? खराब हो गया ना बाल, इसकी वजह ना सिर्फ तुम ही हो। बताओ कैसे? कैसे? कुणाल भाई आई है, बस उनके आगे पीछे रहती हो। हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं रहता। पहले तो हफ्ते में 2-2 बार मस्त हॉट ऑयल मसाज देती थी, अब देखो हम पे ध्यान ही नहीं है। बेचारे हम। अभी भी करेंगे, उठो, हम 2 मिनट में बस ऑयल लेके आते हैं, फिर तुम्हारी जादू वाली चंपी करेंगे। ठीक है, जाए। आते हो। जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। तुम यहाँ? मेरा मतलब है इतने जल्दी आ गए? हाँ, वो जिस मीटिंग के लिए गया था वो कैंसिल हो गई, तो बस वापस आ गया तुम्हारे पास। तुम्हारी याद जो आ रही थी। अरे आशी संभाल के, आशी। यू आशी, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की नजरों में आसमान चढ़ने का। अब देखो कैसे मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिराती हूं।
क्या होगा आशी? पिछली बार तो तुम इस तेल से बच गई, लेकिन इस बार क्या करोगी तुम? हाँ, जो भी इन सीढ़ियों से गिरेगा उसका नाम तुम पर आएगा। अब आएगा मजा। हे भगवान, राम जी। माँ क्या हुआ? हमारा पैर। ओ गॉड, अमृता आंटी ये सब कैसे, आप गिर कैसे गई? काकी, काकी मॉम आप ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है, हमें बहुत दर्द। इनको इनको बिठा देते हैं उधर। हाँ, क्या आराम से? माँ उठिया, संभाल के, संभाल के। आराम से, आराम से। संभाल के माँ। तू हट परे। अमृता ये सब क्या हुआ? वो अमृता आंटी सीढ़ियों से फिसल गई। ऐसे कैसे फिसल गई माँ? पता नहीं कैसे फिसल गए, हम नीचे आ रहे थे, शायद पैर के नीचे कुछ आ गया था और हम फिसल गए ऐसे। हाँ, हम दोनों भी जब आ रहे थे तो फिसलने वाले थे, पर संभाल लिया एक दूसरे को। अब विद्या जाओ ऑइंटमेंट लेके आओ। जी बाबा। ज्यादा पेन हो रहा है? हाँ थोड़ा सा तो हो रहा है। ओ तो अमृता आंटी तेल पे स्लिप हुई थी, देखो वहां सीढ़ियों पर कितना सारा तेल गिरा हुआ है। लेकिन सीढ़ियों पर तेल कैसे आया? हाँ आशी, तुम तेल लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी ना, हो सकता है फिर आशी से ही गिर गया। नहीं नहीं, हमने कोई तेल नहीं गिराया। तुम तेल लेकर ऊपर जा रही थी या नहीं? काकी वो हम बस। क्या काकी हम, वो ना वो, क्या तेल लेकर ऊपर जा रही थी या नहीं? हाँ काकी हम गए थे। तो तुमने हमें गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिराया? अमृता ये क्या बोल रही हो? वो तेल क्यों गिराएगी, वो ऐसा क्यों चाहेगी? हाँ माँ, गलती से गिर गया होगा, आशी ने जानबूझकर नहीं किया होगा। क्या गलती से? जानबूझ के किया है इसने, हमने अभी डांट लगाई ना उसे, बस उसी का गुस्सा निकाल रही थी। क्या सोच बना रखी तुमने? काकी आप गलत समझ रहे हैं, हम कभी सपने में भी आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश नहीं कर सकते। चुप कर, बंद करो अपना ये नाटक, सपने में भी नहीं सोच सकते, सब कुछ पता है हमें, तुम्ही ने किया ये सब। माँ प्लीज, आशी आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, बहुत जानने लगा है ना तू आशी को। आप लोग सब जाओ यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है, सब लोग जाओ, अकेला छोड़ दो हमें, रह लेंगे हम अकेले। जाओ। तू छोड़ ये सब मत कर नाटक। माँ सब जानते हैं हमें अकेला छोड़ दो, कहाँ ना हमने। नहीं छोड़ूंगा माँ, हो आप मेरी, कहीं भी चला जाऊं कुछ भी करूं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। क्या बोल रहे हो तुम, इतने सालों बाद हमारे पास आए हो, ऐसी बातें मत करो। ठीक है माँ, नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो आपको नहीं पसंद, लेकिन माँ इतना जरूर कहूंगा, जितना आप तड़पी है मेरे लिए उतना मैं भी तड़पाऊं आपके प्यार के लिए। आई लव यू माँ। माँ मैं आशी की साइड नहीं ले रहा था, मैं बस इतना कह रहा था कि उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। हाँ अगर गलती से उससे गिर गया तो प्लीज प्लीज उसे माफ कर दीजिए मेरे लिए प्लीज। तू तो हमारी जान है। ठीक है मेरी ब्यूटीफुल माँ, अब इमोशनल होना बंद कीजिए, आज पार्टी है ना, तो आप पार्टी में प्रीटी एंड गॉर्जियस कैसे दिखेंगे? बचपन में ये मुझसे भिड़ जाता था और ऑफ कोर्स जीता तो मैं ही था। ऐसा कब हुआ? नहीं तू भी जीता है, ज्यादा मैं जीता हूँ। विकास इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन मत कर।
हाँ बाबा, वो क्या सरप्राइज था जो आप पार्टी में दिखाने वाले थे? एक मिनट, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाया। फ्रेंड्स, दोस्तों, सब यहाँ आइए। बच्चों, आप लोग भी आओ। आ गया, एक सरप्राइज है, दिखा दे। ये है ना? अच्छा लगा सरप्राइज। पंडित जी कहाँ रह गए? फोन करता हूँ उनको। कमाल है, पंडित जी ने फोन काट दिया। अमृता, हाँ जी, मैं तेरा पंडित जी को देख रहा हूँ, तुम सबसे बात की। जी जी। हा? अरे मनोज, सबके लिए जूस तो ला, जल्दी ले आ। कितना सुंदर फोटो है ना ये। अमृता, ये फैमिली फोटो तो काफी प्यारी है। हाँ, और तुम्हारी किस्मत भी अमृता, आखिर तुम्हारा पूरा परिवार एक हो ही गया। पहले तुम्हारे साथ कोई नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, अब तो बेटा है। अच्छा, तुझे चोट लगी थी ना, अब तो वो पूरा ध्यान रखता होगा ना तेरा। अरे ध्यान तो तब रखेगा ना जब अपनी बीवी से पल्लू छूटेगा। वो देखो, अमृता, तेरा बेटा तो शादी से पहले ही बीवी का गुलाम बन गया। मुझे यहाँ बांध के रखा है? अरे मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? चाहते क्या तुम? कौन हो भाई? पंडित जी कहाँ हैं? भाई मैं यहाँ हूँ, मुझे बांध के रखा। शाबाश। कोई भी नहीं है, यह आवाज कहां से? हाँ हाँ, हम समझ गए हैं, आप निश्चिंत रहिए, काम हो जाएगा। अमृता कमाल है, पंडित जी फोन नहीं उठा रहे। नमस्ते। बैठिए। क्या अमित जी का घर यही है? जी अमित मैं हूँ, कहिए। हम हैं पंडित रामदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भेजा है, हम उन्हीं के भतीजे। दरअसल एक जरूरी काम के चलते उन्हें शहर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है शादी का मुहूर्त निकालने। हाँ पंडित जी, हमें अपने बेटे और बहू के लिए शादी का मुहूर्त निकालना है, आप देख के बताइए। वो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त है, शादी हो सकती है ना? नहीं, आने वाले 1 माह तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं, और अगर ये शादी हुई तो बहुत ही बड़ा अपशगुन होगा। एक महीना? लेकिन पंडित दीनदयाल ने तो बताया था कि 3 दिन बाद शादी हो सकती है। चाचा जी ने पंचांग नहीं देखा था, कोई भी शुभ काम के लिए या शुभ कार्य करने के लिए ग्रहों की दशा मिलनी चाहिए, जो इस माह में नहीं, इसीलिए 1 माह के बाद ही होगा जो कुछ होगा।
अब हम चलते हैं। देखा आशी, कैसे एक पल में तुम्हारी किस्मत पलट गई। अब देखना, मैं कुछ ऐसा तूफान लाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। सिट पे तो सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है, आई प्रॉमिस। तुम सिट की पत्नी बनके तो इस घर में कभी नहीं रह पाओगी।